हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। असुरों का उद्धार करने के हट में तुम ये क्यों भूल रहे हो कि तुम स्वयं महातेजस्वी हो, भृगु की साक्षात प्रतिमूर्ति हो और सृष्टि का विकास करने के लिए ब्रह्मा जी ने भृगु आदि ऋषियों को अपने मानसिक पुत्रों के रूप में उत्पन्न किया था। और महर्षि भृगु की पत्नी मेरी पूज्य मां का संहार किसने किया था? आपके उसी विष्णु ने। इसी कारण तुमने भक्ति को भय कर शक्ति का खड़ग उठा लिया। हाँ, यदि विष्णु अपनी शक्ति का प्रयोग कर सकता है तो मैं भी अपनी शक्ति का प्रयोग कर सकता हूं। ये सारे असुर जिनका तुमने निर्माण किया था, वे सब के सब तुम्हारे अहंकार के प्रतीक थे। मैंने तो केवल तुम्हारे अहंकार को नष्ट करने का प्रयत्न किया, बस। लेकिन मैं पराजय स्वीकार नहीं करूंगा गंगई। मैं फिर से इन असुरों की उत्पत्ति करूंगा। तो मैं फिर से उन्हें नष्ट करने का प्रयास करूंगी। ओम हैं क्लीं क्लीं कामदेवते स्वाहा। ओम हैं क्लीं क्लीं कामदेवते स्वाहा। ओम हैं क्लीं क्लीं कामदेवते स्वाहा। ठहरो भार्गव। ओम हैं क्लीं क्लीं चामुंडा। निकलते हुए दिन को फिर से रात्रि में ढकेलने का प्रयास ना करो। पहले गंगा मेरे कर्मों पर प्रतिबंध लगाने के लिए प्रकट होती थी। आज भोलेनाथ भूतनाथ स्वयं आ गए मुझे रोकने के लिए। किंतु शिव शंकर, मैं असुर लोक को असुर शक्तियों से संपन्न कर रहा हूं तो यह मेरा धर्म है, धर्म। और मुझे मेरे धर्म से कोई विमुख नहीं कर सकता। आप भी नहीं सर्वशक्तिमान? पुत्र, असुरों का उद्धार करने के हट में तुम ये क्यों भूल रहे हो कि तुम स्वयं महातेजस्वी हो, भृगु की साक्षात प्रतिमूर्ति हो और सृष्टि का विकास करने के लिए ब्रह्मा जी ने भृगु आदि ऋषियों को अपने मानसिक पुत्रों के रूप में उत्पन्न किया था। और महर्षि भृगु की पत्नी मेरी पूज्य मां का संहार किसने किया था? आपके उसी विष्णु ने। इसी कारण तुमने भक्ति को भय कर शक्ति का खड़ग उठा लिया। हाँ, यदि विष्णु अपनी शक्ति का प्रयोग कर सकता है तो मैं भी अपनी शक्ति का प्रयोग कर सकता हूं। पुत्र, कदाचित तुम ये नहीं जानते कि शक्ति की आंख नहीं होती, और जिस शक्ति में विवेक नहीं होता, भक्ति नहीं होती, वो शक्ति जगत के विनाश का कारण बनती है। भार्गव, भोलेनाथ, संसार भक्ति अनुरक्ति की नहीं, शक्ति की पूजा करता है, शक्ति की। जिस शक्ति से तुमने तपोबल अर्जित किया है वो शक्ति तुम्हारी नहीं, परमेश्वर की है। नहीं, कदापि नहीं, वो शक्ति मेरी है, मेरी। अपने हाथ में हवी लो और उसे वेदी में डालो। भार्गव, क्यों? मैं बिना मंत्रों के हवी डालकर क्यों पाप का भागी बनूं भोलेनाथ? अच्छा, तो मंत्र सहित डालो। ओम हैं क्लीं क्लीं हवी डालो भार्गव। ओम हैं क्लीं क्लीं चामुंडा विच्चहि स्वाहा। नहीं डाल सकते ना? तुम्हारे कर्म के पीछे भगवान की प्रेरणा नहीं है। आज तक तुम जो कुछ भी करते आए हो उसके पीछे भगवान विष्णु की प्रेरणा थी, और तुमने अपने अज्ञान से बिना कारण उन्हीं से द्वेष पाल लिया। शक्ति परमेश्वर की योग माया है भार्गव, जो परमेश्वर के संकेत पर संसार का सृजन पालन और संहार करती है, और तुमने परमेश्वर की दी हुई शक्ति को अपनी शक्ति मान लिया और उस शक्ति पर अहंकार भी करने लगे। यही नहीं, तुमने अहंकार पूर्वक तप अर्जित करके उसे सृष्टि के विरुद्ध आचरण किया। क्या इससे बड़ा कोई पाप हो सकता है भार्गव?
सत्य को मानो, जो हुआ वो तुमने नहीं किया, परमेश्वर के संकेत से हुआ। तुम स्वयं को परमेश्वर को समर्पित कर दो पुत्र। समर्पण ही सुकर्म है, समर्पण ही ज्ञान है, समर्पण ही भक्ति है। तुम्हारा कल्याण हो। मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कीजिए।